नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। पिछले दो दिनों से जिस तरीके से रीवा में कोरोना वायरस का कहर दिखाई दे रहा, जी हां, 30 तारीख को जहां 28 मरीज मिले, वहीं 31 तारीख को 25 मरीज, दो दिन में 53 मरीज मिलने का सीधा सा अर्थ है रीवा लॉकडाउन की ओर धीरे धीरे जा रहा है। राज्य शासन के भी कुछ इस तरीके से निर्देश थे कि 20 से ऊपर जब लगातार मरीज मिलेंगे तो उस जिले में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो सकती है। फिलहाल अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति तो शासन नहीं मान रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर कोरोना वायरस के पेशेंट लगातार मिल रहे हैं, वह भी बहुत सीमित जांच में, जांच का दायरा बहुत कम है। 300 के आसपास जांचें हो रही हैं, 300 के आसपास की जांचों में इस तरीके से 25 मरीज आज और 28 मरीज कल मिले थे, दो दिन में 53 मरीज, सीधा सा अर्थ। यही स्थिति अगर आगे भी बरकरार रही तो रीवा धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर जा सकता है। फिलहाल अभी मैं अभी आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी कुछ थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई थी कि संडे को रीवा लॉकडाउन रहेगा, फिलहाल अभी उस तरीके की कोई भी स्थिति निर्मित नहीं हुई। जी हाँ, संडे अभी रीवा जिला लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसी तरीके की स्थितियां आगे भी बरकरार रहीं तो संडे को राज्य शासन लॉकडाउन लगाने के बारे में सोच भी सकता है। फिलहाल हम अपने नेटवर्क की तरफ से केवल रीवा की जनता से यही अपील करेंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बगैर मास्क के घर के बाहर ना निकलिए, घर के बाहर बगैर मास्क के ना निकलिए। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। अब रीवा शहर की स्थिति क्या होगी, क्या यहां पर लॉकडाउन होगा, यहां पर क्या होगा, क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब अब हमको आपको तय करना। अगर हम सुरक्षा के नियमों को, जो भी शासन ने दिशा निर्देश दिए हैं कोरोना वायरस को लेकर, अगर वो मानेंगे तो हम लॉकडाउन से बच सकते हैं, अगर हम नहीं मानेंगे तो हम लॉकडाउन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।